प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टमी में तुमुन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तुमुन प्रत्यय क्या है? तुमुन ऐसा प्रत्यय है जो किसी धातु के बाद में जुड़ता है, ठीक है, जो किसी धातु के बाद में जुड़ता है। तुमुन जहाँ जिस धातु में जुड़ जाता है उसका अर्थ के लिए के रूप में प्रयोग में होता है, के लिए का प्रयोग होता है। जैसे तुमुन जुड़ जाता है गम धातु के अंदर, तो यहाँ तुमुन जुड़ जाता है तो इसका अर्थ गम धातु का क्या अर्थ था, जाना था। और तुमुन जुड़ने से जो प्रत्यय जुड़कर शब्द प्राप्त होता है वह होता है गंतुम, ठीक है। इस गंतुम का अर्थ हो जाता है जाने के लिए। तो के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला तुमुन प्रत्यय है। तो अब देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय में मुंह के ऊ एवं अंतिम अक्षर न का, इस मुंह के ऊ और अंतिम अक्षर न का लोप हो जाने पर पीछे क्या रहता है? तुम। न का लोप हो गया और मुंह के ऊ का लोप हो गया तो मैं हलंत बचा और हमें तुम शब्द शेष रह जाता है। तुमुन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है। क्यों होता है अव्यय? क्योंकि इसके रूप नहीं चलते हैं। तो तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अव्यय पद वही होता है जिसके रूप ना चले, और तुमुन प्रत्यय से बना हुआ हर शब्द अव्यय ही होता है क्योंकि उसके रूप नहीं चलते, एक ही शब्द बनता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, धातु लगी है पहले अस, फिर उसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। अस प्लस तुमुन होने से अस का अर्थ होता है होना, तो जुड़ने से भवितुम रूप प्राप्त होता है और इसका अर्थ होता है होने के लिए। इसी प्रकार गम धातु में तुमुन लगने से गंतुम बनता है, अर्थ है जाने के लिए। चुर धातु में तुमुन लगने से चोरितुम शब्द बनता है और चुराने के लिए अर्थ होता है। पच धातु में तुमुन लगने से पक्तुम शब्द बनता है, पकाने के लिए अर्थ होता है। पा में तुमुन लगाते हैं तो पातुम बनता है और इसका अर्थ होता है पीने के लिए। भू में तुमुन लगाने से भवितुम बनता है और भवितुम का अर्थ होता है होने के लिए। इसी प्रकार रक्ष में तुमुन लगाते हैं तो रक्षितुम बनता है, अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। आगे देखते हैं कि लिख धातु में जब तुमुन लगता है तो लेखितुम रूप प्राप्त होता है और अर्थ होता है लिखने के लिए। पृच्छ धातु में तुमुन लगता है तो पृष्टुम रूप प्राप्त होता है, पृष्टुम का अर्थ होता है पूछने के लिए। वध धातु में तुमुन लगने से वदितुम बना और वदितुम का अर्थ है बोलने के लिए। नी धातु में तुमुन लगने से नेतुम बनता है और नेतुम का अर्थ है ले जाने के लिए। दा में तुमुन लगने से दातुम बना, देने के लिए अर्थ होता है। कथ में तुमुन लगने से कथितुम रूप प्राप्त होता है और कहने के लिए अर्थ होता है इसका। तेज में जब तुमुन लगाते हैं तेक्तुम बनता है और तेक्तुम का ये यहाँ पे वो नहीं है, इसमें तेक्तुम रूप है, ये तेक्तुम। तेक्तुम का अर्थ होता है त्यागने के लिए। इसी प्रकार पठ में तुमुन लगाते हैं, पठ में तुमुन लगाते हैं तो पठितुम रूप प्राप्त होता है, अर्थ है पढ़ने के लिए। ऊपर तेक्तुम में ये में ऊ की मात्रा नहीं है, ये गलती से लगी हुई है, ठीक है। शी में तुमुन लगने से शैतुम रूप प्राप्त होता है, अर्थ होता है सोने के लिए। क्रीड में तुमुन लगने से क्रीडितुम रूप प्राप्त होता है, इसका अर्थ होता है खेलने के लिए। हस धातु में तुमुन लगने से हसितुम रूप प्राप्त होता है, अर्थ है हंसने के लिए। इसी प्रकार से ज्ञा में तुमुन लगने से ज्ञातुम बना और ज्ञातुम का अर्थ जानने के लिए। श्रु में तुमुन लगने से श्रोतुम बना, श्रोतुम अर्थ सुनने के लिए। इस प्रकार से हमने ये हमारे प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगाकर कुछ शब्द बनाए और उनसे हमने उनके अर्थ भी जाने। धन्यवाद।